राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की अब से कुछ ही देर पहले और उन्होंने कई अहम बातें की सरकार को घेरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया राहुल गांधी ने। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीएम ने मणिपुर पर सिर्फ 2 मिनट की ही बात की, 2 घंटे का भाषण दिया, सिर्फ 2 मिनट बोला, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। पीएम अपने भाषण में बार बार हंस रहे थे, ये आरोप भी लगाए हैं। विषय कांग्रेस या मैं नहीं है, मणिपुर था, ये कहा है राहुल गांधी ने। पीएम मणिपुर में आग नहीं बुझाना चाहते, राहुल गांधी का है यह बयान। राहुल गांधी ने कहा है कि मणिपुर महीनों से जल रहा है मणिपुर, 2 हिस्से हो चुके हैं मणिपुर के, ये कहा है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि मणिपुर में बीजेपी ने भारत की हत्या की, वही बात फिर से दोहराई है जो उन्होंने संसद में कही थी। और उन्होंने यह भी कहा कि महीनों से जल रहा है, सेना कंट्रोल कर सकती है लेकिन नहीं भेजा गया, आज मणिपुर के 2 हिस्से हो चुके हैं। राहुल गांधी ने ये तमाम बातें कही। राहुल गांधी ने यह कहा कि बीजेपी ने भारत की हत्या की है मणिपुर ने, लगातार आरोप लगाए, सरकार को घेरा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हंस रहे थे अपने भाषण के दौरान। पीएम मोदी पर कई सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी ने यह कहा कि पीएम ने मणिपुर पर सिर्फ 2 मिनट की ही बात की, कई आरोप लगाए हैं अपने भाषण में, बार बार हंस रहे थे, यह भी कहा राहुल गांधी ने। और यह भी कहा कि विषय कांग्रेस या मैं, मतलब कि राहुल गांधी नहीं था, मणिपुर था, लेकिन पीएम ने कई बार अपने संबोधन के दौरान हंस रहे थे और पीएम ने उचित जवाब नहीं दिया, ये राहुल गांधी का आरोप है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, यह आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।